ये कहानी साजिश और धोखे की है। एक नटिन जिसकी आत्मा आज भी ना जाने किस बात के लिए दर दर भटक रही है। आपको बता दें कि नट भारत में करतब दिखाने वाली एक जाति होती है। कहते हैं कि आज से कई सदियों पहले मध्य प्रदेश के सागर जिले में गढ़पहरा में खतरनाक करतब दिखाने के दौरान एक नटिन के साथ यहाँ की रानी ने धोखा किया था। इसी धोखे के कारण नटिन की मौत हो गई थी। नटिन की मौत के वियोग में नट की भी जान चली गई। तब से लेकर आज तक गढ़पहरा किले को लोग भूताहा मानते हैं। ये किला पूरी तरह सुनसान पड़ा है और यहाँ शाम के बाद लोग डर के कारण अकेले नहीं जाते हैं। यहाँ के लोगों का दावा है कि तब से लेकर आज तक नट और नटिन की आत्मा इस किले और महल के आसपास घूमती है। यही कारण था कि गढ़पहरा पहाड़ पर भगवान हनुमान का मंदिर बनवाया गया था, जिसके बाद ही यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ। हालांकि इतिहास में इस तरह का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ पुरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र जरूर किया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग नट और नटिन की आत्मा द्वारा एक दर्द भरा गीत गाए जाने का दावा भी करते हैं। लोगों के मुताबिक उस गाने के बोल गई रात अब पहर थोड़े हैं। वैसे तो गढ़पहरा से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं, लेकिन उनमें इस किस्से की कहीं भी चर्चा नहीं है। ये जगह मराठों और मुगलों के दौर में मशहूर रियासतों में गिनी जाती थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया और आज के इस एपिसोड में हम इस किले के रहस्य को विस्तार से जानेंगे। नट और नटिन से जुड़ी किंवदंती के मुताबिक किसी जमाने में यहाँ एक बूढ़े राजा का शासन था। बुंदेलखंड में पड़ने वाला गढ़पहरा उसकी राजधानी हुआ करती थी। उस दौरान राज्य में एक नट और नटनी के खतरनाक करतबों और रस्सी पर चलने के दौरान उनके संतुलन बनाए रखने की खूब चर्चा होती थी। राजा ने भी उन नटों का ये करतब देखने की इच्छा जताई। बूढ़े राजा की इच्छा के मुताबिक मंत्रियों ने नटों को राज दरबार पहुंचने का संदेश भेजा। नट अपनी पत्नी के साथ राजा के दरबार पहुंचा। ऐसा कहा जाता है कि नट की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। दरबार में राजा ने नट से कहा कि राज्य में तुम्हारे करतबों की काफी तारीफ हो रही है, इसलिए मैं भी तुम्हारा हैरत अंगेज करतब देखना चाहता हूँ। अगर सच में तुमने ऐसा करतब करके दिखाया तो पुरस्कार के रूप में तुम्हें आधा राज्य दे दिया जाएगा। राजा ने नट को जो करतब दिखाने के लिए कहा था वह बहुत ही खतरनाक था। दरअसल इस करतब में किले के ऊंचे परकोटे से लेकर दूसरी ओर पहाड़ों में एक रस्सी बांधी जानी थी और बीच रास्ते में गहरी और खतरनाक खाई थी। इस रस्सी पर चलकर नटिन को उस पार पहुंचना था। राजा की इस इच्छा पर नट और नटिन उलझन में पड़ गए, क्योंकि पहले उन्होंने कभी भी इतना खतरनाक करतब नहीं किया था और इसे करने में उनकी जान भी जा सकती थी और अगर वह इनकार करते तो राजा उनसे नाराज हो सकता था। वह राजा को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए नट अपना करतब दिखाने के लिए तैयार हो गए और राजा के आदेश पर करतब दिखाने की तैयारी शुरू की गई। उस रात नट ठीक से सो नहीं पाए। ये रात उनके जीवन की आखिरी रात साबित हुई। उन्होंने पूरी रात जाकर गाते हुए बिताई। उनकी आवाज राजा के महल तक पहुंच रही थी। किंवदंती के मुताबिक बूढ़े राजा का बेटा उस रात अपने पिता की हत्या करना चाहता था, क्योंकि उसे राज्य की सत्ता की लालच थी। वहीं उसी रात शादी ना होने से परेशान राजा की बेटी भी महल छोड़कर भागना चाहती थी, जबकि उसी रात राजा की पत्नी भी इस बात से दुखी थी कि करतब दिखाकर नट और नटिन उनका आधा राज्य ले लेंगे। नटिन के गाने को सुनकर राजा के बेटे ने अपना मन बदल लिया। उसने सोचा कि अब मेरा बूढ़ा बाप कितने दिन और जीवित रहेगा। वहीं राजा की बेटी ने भी यही सोचकर अपना मन बदल लिया कि अगर इतने दिन बीत चुके हैं तो वैसे ही कुछ दिन और गुजर जाएंगे। अगली सुबह इस खतरनाक खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में राज्य की जनता इकट्ठी हुई। महल के परकोटे से दूसरे छोर तक ऊंचाई पर बंधी हुई रस्सी को देखकर ही लोगों की सांसें थम गई। राजा अपने महल की छत पर अपने परिवार के साथ करतब देखने के लिए बैठा था। नट ने ढोल बजाना शुरू किया और रस्सी पर चलकर खाई पार करने का खतरनाक खेल शुरू हो गया। नटिन बांस की डंडी के सहारे रस्सी पर चलने लगी। कहानी के मुताबिक रस्सी पर गजब का संतुलन दिखाते हुए नटिन कुछ ही देर में आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी। उसके ऐसा करते ही रानी की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि नटिन पर राजा का ध्यान देखकर रानी को ऐसा लगा कि आधा राज्य तो जाएगा ही, लेकिन कहीं राजा भी नटिन से विवाह ना कर ले। तभी रानी ने एक खतरनाक खेल खेला। जिस रस्सी पर नटिन चल रही थी रानी ने उसे तुरंत कटवा दिया और इसी के चलते नीचे चट्टानों पर गिरने से नटिन की मौत हो गई। और नटिन के वियोग में नट ने भी ढोल बजाते हुए अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि नट और नटिन की मौत के कुछ ही दिनों बाद बूढ़े राजा का पूरा राज्य तहस नहस हो गया। इस किले के पास हाईवे पर रात के समय कई वाहन चालकों ने एक महिला को टहलते हुए देखा है। लोग मानते हैं कि ये उसी नटिन की आत्मा है जिसकी जान रानी के धोखे से चली गई थी। कुछ लोगों ने किले के पास रात में दर्द भरे गीत भी सुनने का दावा किया है। यहाँ प्रचलित दंत कथाओं में भी कहा जाता है कि नट और नटिन रात के दौरान हमेशा वही दुख भरा गीत गाते हैं जो उन्होंने कर्तव्य करने से एक रात पहले गाया था। दोस्तों, इस किले और नट और नटिन की इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? और अगर आप भी इस कहानी के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम जल्द आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।